एक बूढ़े व्यक्ति किसी गांव में बैठते थे, बड़े ज्ञानी थे। वो ज्ञानी हर चीज़ को व्यवस्थित समझते थे। उन ज्ञानी के पास अचानक एक दिन एक बाहर गांव का एक अतिथि आया। वो हाथ जोड़ के इनको कहने लगा कि महाशय, मैं अब इस गांव में निवास करने की इच्छा से बाहर गांव से आया हूँ। आप बताइए कि क्या इस गांव में मैं निवास कर सकता हूँ? मैं वहाँ से बहुत मेहनत करके थक के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहीं रहूँ और निरंतर यहीं कुछ काम करके अपने जीवन यापन करूँ। क्या ये गांव के लोग अच्छे हैं? ये गांव में रहने लायक हैं? तो वो ज्ञानी पुरुष ने वापस जो आया हुआ अतिथि था उसको पूछा कि क्या भाई, तू जिस गांव से आया है उधर से क्यों आया? वो गांव कैसा था? कैसे थे वहाँ के लोग? तो इसने बताया, जो आया हुआ व्यक्ति था उसने बताया कि मैं जहाँ से आया हूँ वो गांव इतना ख़राब है, लोग इतने ख़राब हैं, बड़े बदमाश हैं, दुखी करते हैं। उनके दुखी करने के आदत से मैं परेशान होके ही वो दुष्ट लोगों से बचने के लिए ही वहाँ से निकल के आया हूँ, इस गांव में आया हूँ। तो किन्हीं लोगों को पूछा, उन्होंने बोला कि आपसे पूछें, आप ही ज्ञानी हो इस गांव में, इसलिए आपको पूछने बोला, तो मैं आपको पूछने यहाँ पहुँचा हूँ। आप बताइए इस गांव में रह सकते हैं? यहाँ के लोग कैसे हैं? तो तुरंत वो ज्ञानी पुरुष ने कहा, भाई यहाँ के लोग भी बदमाशी हैं, यहाँ के भी सब दुष्ट ही हैं, यहाँ रहने लायक नहीं है। तो यहाँ से दूसरा गांव देखना ही अच्छा है, यहाँ मत रहे, यहाँ सही नहीं है, तेरे को और भी कोई अच्छा गांव मिले वहाँ चले जा। अब वो वहीं खड़ा रहा, गया नहीं, कुछ सोचता रहा। इतने में और एक संयोग देखिए, और एक व्यक्ति वहाँ पहुँच गया। वो भी किसी दूसरे गांव से इस गांव में रहने के लिए आया है। अचानक संयोग ऐसा हुआ कि ये खड़ा था ना, वो भी आ गया। वो हाथ जोड़ के इसी ज्ञानी पुरुष को पूछ रहा है कि गांव के लोगों ने कहा आपसे पूछने के लिए, मैं दूसरे गांव से इस गांव का रहवासी बनने के लिए, यहीं रह के जीवन यापन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्या मैं इस गांव में रह सकता हूँ? ये गांव के लोग कैसे हैं? ये गांव में रहने लायक है? मुझे यहाँ जीने के लायक साधन मिल जाएंगे? तुरंत ज्ञानी पहले वाले को पूछा, वैसे ही सवाल इसको भी पूछते, क्या भाई तेरा गांव कैसा था? वहाँ से तू क्यों आया? उस गांव से आने का कारण क्या है? उधर के लोग कैसे थे? वो बोले, मेरा गांव तो बहुत अच्छा था, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे लोग, बहुत सेवा भक्ति करते थे, लेकिन बहुत मेरा भी हर काम देखते थे, प्रेम से सहयोग करते थे, मेरा जीवन वहाँ बहुत खुश था। लेकिन हमारे गांव में अचानक अकाल पड़ गया, अब खेतियां सब सूख गई, जमीन में पूरे फाड़े पड़ गए हैं, जमीन पट गया है बिना पानी का। तो हम सब लोग जगह जगह निकल के अपने नए जीवन की तलाश में लगे हैं, इसलिए आया हूँ। लेकिन मेरा गांव जैसे गांव जिसको मिला वो किसी गांव में फिर जाएगा ही नहीं, वो वहीं रहेगा, क्या करूँ? मेरा कर्म, मुझे वो छोड़ के आना पड़ा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप बताइए इस गांव के लोग कैसे हैं? तो वो ज्ञानी कहते, ये गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये गांव भी बहुत अच्छा है, ये गांव भी बहुत तेरे जीवन में सफलता दे सके, इतने सहयोग प्राप्त होने जैसी जगह है, हर व्यक्ति अच्छा है। अब जो पास में खड़ा था आदमी, जो सुन रहा था, जिसको पहले बात किया ज्ञानी ने, उसको तो कह दिया था कि ये गांव बहुत खराब है, तू दूसरा गांव देख ले। अब इसको लगा कि एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति को दो राय दे रहा है, मेरे को तो बोल दिया गांव खराब है और लोग अच्छे नहीं है, दूसरा गांव देख, और इसको कह रहा है कि गांव बहुत अच्छा, तू यहीं रह जा, तुझे सहयोग मिलेगा। उसको गुस्सा आ गया, तुरंत वो ज्ञानी को तुरंत फटकारते बोलने लगा, आप ये क्या बात कर रहे हो? मेरे को तो आपने बोला कि यहाँ रहने लायक नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, सब सही नहीं है, आप दूसरा गांव देख लो, और इसको बोल रहे हो ये गांव बहुत अच्छा, ये लोग अच्छे हैं और यहाँ सहयोग मिलेगा, तुम यहीं रहो। ये दो व्यक्ति से दो बात कैसे करते हो आप? ऐसे बातें, दुगली बातें कैसे कर सकते हो? तब वो ज्ञानी ने कहा, भैया कोई गांव अच्छा नहीं होता, ना कोई लोग खराब नहीं होते, अपने सोच से सामने वाला अच्छा या खराब दिखता है। उसको वो जिस गांव में वो रहा वहाँ सब आदमी अच्छे लगते थे, तो कहीं भी जाएंगे तो उसके लिए सब आदमी अच्छे ही लगेंगे ना, उसका हर काम अच्छा ही होगा।
और तू हर चीज में बुराई देख रहा है ना, हर आदमी तुझे खराब लग रहा है, फिर तो तू स्वर्ग में जाएगा तो भी तुझे हर चीज खराब लगेगा ना, हर आदमी खराब लगेगा। इसलिए गांव या लोग अच्छे बुरे नहीं होते, अपनी नजरिया और सोच अच्छा बुरा होता है। अगर हमारा नजरिए में लोग अच्छे होंगे तो हमारे लिए अच्छे होके ही सब सेवा करेंगे, सहयोग करेंगे, और हमारे नजरिए में लोग खराब होंगे तो सब अपने लिए खराब और दुख देने वाली परिस्थिति ही उत्पन्न करेंगे। इस कहानी से एक चीज हमको समझने जैसा है, दुनिया कैसी है ये देखने मत जाइए, क्योंकि आपकी दुनिया पूरे 200 देशों से जुड़ी हुई नहीं है, आपकी दुनिया पूरी 600 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। आपके सीमित रिश्ते हैं, सीमित मित्र हैं, सीमित समाज है, सीमित आपके सभी कॉन्टेक्ट्स हैं। तो आपको तो ये देखना है कि मेरा हर चीज अच्छा है, वो विचार में आए पहले। जब विचार में आएगा तो मैंने बताया ना, ये चुंबकीय तरंग देखो कैसे खींचता है, खींचता है एकदम नजदीक में जाए तो धीरे धीरे ऐसे लपकने लगता है धीरे धीरे। इतनी चुंबकीय शक्ति जो शरीर में है, ये विचार में जाके धीरे धीरे वो विचार को आगे चुंबकीय तरंग बना के बाहर भेजता है। ये चुंबकीय शक्ति ऐसा है, विचार को घटना बना देता है। कोई भी विचार हो उस विचार को सत्य में परिवर्तित कर देता है। कई लोग बोलते 6 महीने में एक्सीडेंट होने वाला है, मेरे को कुछ लग रहा है होने वाला है, उनको मालूम ही नहीं है कि ये फिर मेरे पास आके बोलते हैं कि गुरुदेव मैंने मेरे को मालूम पड़ ही गया था 6 महीने मेरा एक्सीडेंट होगा। मैं हंसने लगता हूँ, पागल तूने 6 महीने से जो सोचा उसी कारण एक्सीडेंट हुआ है। तू 6 महीने पहले जानने जितना त्रिकालदर्शी नहीं हुआ है, तेरे मन में वो विचार उत्पन्न किया दोष ने, और तू उस दोष के चलते उसी दोष के मार्ग में चल के अपने विचारों में भी दोष और नकारात्मकता लाके धीरे धीरे उस विचार को सत्य में परिवर्तित कर दिया, घटना में परिवर्तित कर दिया। इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए कभी भी कि हम क्या सोच रहे हैं। किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो कोई ना कोई हमारे लिए बुरा सोचने के लिए हम मजबूर करते हैं। किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी को डांटते हैं, किसी को मारते हैं, आप कुछ भी करो, वो सब हमारे साथ होने के लिए हम तैयारी करते हैं।